उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज कर दिया है। फरीदाबाद से सुनील देवतिया को टिकट दिया है पार्टी ने। सिरसा लोकसभा सीट से संदीप लोट को उम्मीदवार बनाया है। सोनीपत लोकसभा सीट से अनूप सिंह दहिया जो रिटायर्ड एसपी हैं उनको पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बाकी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान 26 अप्रैल को किया जाएगा। अभय सिंह चौटाला ने यह जानकारी दी कि 26 तारीख को बाकी बचे उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। 1 मई को अभय सिंह चौटाला नामांकन करेंगे। पहली सूची में 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। इसमें अभय सिंह चौटाला के कुरुक्षेत्र से सीट का ऐलान था, तो वहीं सुनैना चौटाला को हिसार लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा था। अंबाला लोकसभा सीट से गुरप्रीत सिंह को पार्टी ने टिकट दिया था। इसके बाद आज 3 और नामों का ऐलान किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दुष्यंत चौटाला पर दिए बयान पर अब अभय सिंह चौटाला ने तंज कसा है। कहा कि इन्होंने 4.5 साल तक मिलकर सरकार चलाई, अब कह रहे हैं कोई एप्लीकेशन आएगी तो कार्रवाई करें। शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाले की जांच हो चुकी है और रिपोर्ट सरकार के पास है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हिम्मत है तो मुख्यमंत्री उसे सार्वजनिक करें, हमारी सरकार बनेगी तो हम इन सारे मामलों की जांच करवाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करप्शन को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर बड़ा वार किया था। कहा कि उनके अपनों ने आरोप लगाए थे, अगर कोई शिकायत आएगी तो जांच जरूर करवाएंगे। अब इसी मामले पर अभय सिंह चौटाला ने दोनों पर तंज कसा है कि 4.5 साल तक मिलकर सरकार चलाई, अब कह रहे हैं कोई एप्लीकेशन आएगी तो कार्रवाई करें। दोनों ने मिलकर के प्रदेश को लूटने का काम किया। अब नायब सिंह सैनी कहते हैं कि कोई एप्लीकेशन आएगी तो हम जांच करेंगे। एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, शराब घोटाले की जांच हो चुकी है और रिपोर्ट सरकार के पास है, रजिस्ट्री घोटाले की जांच हो चुकी है, रिपोर्ट सरकार के पास है। अगर मुख्यमंत्री में दम है भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ करने का तो फिर शराब घोटाले को सार्वजनिक करें और वही उसके साथ साथ रजिस्ट्री घोटाले में जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात सरकार ने करी थी उनके खिलाफ कार्रवाई करके दिखाए, उसमें कौन शामिल है उनके नाम उजागर करे। ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं। आज भी जो सरकार है, सत्ता में बैठे लोग हैं, वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हिम्मत है तो फिर ये जान सामने रहे। मैंने तुम्हें 5 साल पहले ये बात बताई थी, आप याद करो। मैंने कहा था कि इस जेजेपी का नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। आज तुम ही नाम लेते हो, बाकी मुझे नहीं मिलता कोई जेजेपी का नाम लेने वाला। कितनी दफा मैंने विधानसभा में इनको अभी पिछली विधानसभा के सेशन में भी ये बात उठाई थी, नहीं उठाई थी मैंने, जब एक नया घोटाला करने जा रहे थे 600 करोड़ का शराब में कांच की बोतलों को लेकर, तब भी मैंने ये बात मुख्यमंत्री के सामने रखी थी। उनका ये नया घोटाला होगा, उससे पहले पहले बड़े को रिपोर्ट पेश कर, लेकिन रिपोर्ट पेश करें कैसे, उस पर मुख्यमंत्री खुद फंसते हैं, फंसते नहीं थे। भ्रष्टाचार के आरोपों पर बीजेपी जेजेपी आमने सामने आ चुके हैं। दिग्विजय सिंह चौटाला के आरोपों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलटवार किया, कहा कि उनके खुद के विधायक विधानसभा में उन पर आरोप लगाते हैं। दुष्यंत चौटाला खुद के गिरेबा में झांके, भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता नहीं होगा, दुष्यंत के खिलाफ शिकायत आई तो जांच करवाएंगे। इसके अलावा कहा कि कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में शामिल हुआ तो सख्त कार्रवाई करेंगे। दिग्विजय सिंह चौटाला ने गंभीर आरोप लगाए थे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर कि लूट कर खा गए प्रदेश को। इसी पर पलटवार किया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने और कहा कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी के अपने विधायक उन पर करप्शन के आरोप लगाते हैं।
चौटाला अपने गृह वाहन में जाके देखे कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, उसके खुद के विधायक वो किस प्रकार के बात विधानसभा के अंदर ही उसके खिलाफ बोली है, ये हमने नहीं बोली है, उसके विधायकों ने बोली है। उसको समझना चाहिए कि मेरे विधायक जो मेरे सिंबल के ऊपर वो चुन करके आए और वही मेरे विधायक मेरे ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने उसके ऊपर भला बुरा कहा है, उसको समझना चाहिए। यहाँ ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर ये सरकार काम करती है, ये चाहे मनोहर लाल जी की सरकार है, आज चाहे मैं इसके अंदर मुखिया के तौर के ऊपर देख रहा हूँ, भ्रष्टाचार से किसी प्रकार का समझौता नहीं है। जैसे जैसे चुनाव प्रचार तेज हो रहा है वैसे ही जुबानी वार पलटवार भी हो रहा है। दिग्विजय सिंह चौटाला ने एक बार फिर से विरोधियों को निशाने पर लिया। चाचा अभय चौटाला को उन्होंने बीजेपी की बी टीम कहा। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर पलटवार किया तो पूर्व सीएम मनोहर लाल को हरियाणा में भाजपा का सबसे कमजोर उम्मीदवार बताया। कहा कि हुड्डा खट्टर की सांठगांठ ना हुई तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हार जाएंगे। नायब सैनी को लेकर भी उन्होंने एक बार फिर से निशाना साधा और भिवानी से धर्मवीर को उन्होंने नकारा कहा तो श्रुति को राजनीतिक पर्यटक की संज्ञा दी। राव बहादुर को उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ से सबसे मजबूत उम्मीदवार बताया। कहा कि बीजेपी सरकार जाने वाली है। किसी को सिरफिरा कहना, किसी को इस तरह की बात कहना गलत है। हरियाणा का प्रत्येक जन हमारे परिवार का सदस्य है और अपने ही परिवार के लोगों को सिरफिरा कह देना, पागल कह देना, ये मनोहर लाल जी की गलत मानसिकता को दर्शाता है। मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा में 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का अगर सबसे कमज़ोर दावेदार है तो वो मनोहर लाल है। बेशर्ते भूपेंद्र हुड्डा और मनोहर लाल के बीच की जो सांठगांठ है उसके हिसाब से चुनाव नहीं लड़ा गया तो कांग्रेस और विपक्ष अच्छा मजबूत कैंडिडेट अगर उतारेगा तो मैं ये मानता हूँ मनोहर लाल की हार निश्चित है। नायब सैनी की करनाल की सीट पर हार निश्चित है। अभय सिंह का खुद का ही तय नहीं अभी तक। अभय सिंह जी, मुझे तो यहाँ तक लगता है कि अभय सिंह और मनोहर लाल खट्टर की बहुत गहरी सांठगांठ इस चुनाव में हो गई है और अभय सिंह चौटाला मनोहर लाल खट्टर के इशारे पर ही काम करेंगे। वो जो भी कैंडिडेट उतारेंगे वो जहाँ भी विपक्ष को नुकसान करने का प्रयास करेंगे वो मनोहर लाल खट्टर के इशारे पर करेंगे। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता ने नवीन जिंदल पर निशान साधते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र को अपना परिवार बताने वाले नवीन जिंदल ने एक बुजुर्ग व्यक्ति से माइक लेकर सवाल किया कि आप 10 साल तक कहां थे, तो इस सवाल पर नवीन जिंदल भड़क गए और जवाब देने की बजाय उस व्यक्ति के हाथों से माइक वापस छीन लिया। सुशील गुप्ता ने कहा कि परिवार के बड़े बुजुर्गों को यह पूछने का अधिकार बनता है कि अपने आप को परिवार का सदस्य बताने वाला आखिरकार 10 साल से कहां था। इस वीडियो में नवीन जिंदल साहब से एक बुजुर्ग माइक छीन के पूछ रहे हैं कि बाकी सब तो ठीक है, आप 10 साल कहां थे। जिंदल साहब को इस पे गुस्सा आ रहा है। जिंदल साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर आप ये कहते हो कुरुक्षेत्र मेरा घर है और घर के बुजुर्ग, घर के माँ बाप ये पूछते हैं तो 10 साल कहाँ थे, तो गुस्सा किस बात का? आप बता दो कुरुक्षेत्र का बेटा होने के नाते कि आप 10 साल कहाँ थे, क्यों कोरोना में यहाँ पे नहीं आए, क्यों बाढ़ के समय पे यहाँ नहीं आए, क्यों किसी की खुशी और गमी के अंदर यहाँ पे नहीं आए,